हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका भाई रतन। दोस्तों आज हम लोग ये 220 वोल्ट का बल्ब है ना एलईडी, तो इसको हम लोग 12 वोल्ट का बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और दोस्तों मैं अपने चैनल में हर टाइप का वीडियो डालता हूँ, अनबॉक्सिंग, रिपेयर, टोटल टाइप का। अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें आप लोगों को पता होगा सेम ऐसा एलईडी लगा रहता है, तो आप लोग इसको जैसा टाइप का खोलना चाहें खोल लेना, लेकिन जो ये हीट सिंक है इसको निकाल लेना। जैसे ये आला निकल चुका है, देखिए ऐसा ऐसा हीट सिंक निकल जाता है। जैसा आप लोग निकालेंगे, निकालने का सबका अलग तरीका है। तो इसको मैं ऐसा 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 करके निकाल लिया तो निकल गया, थोड़ा ज़्यादा चिपका रहता है लेकिन निकल जाता है, तो आप लोगों को निकाल लेना है। तो आप लोगों को इतना पता होगा दोस्तों, जो ये एलईडी रहते हैं, एक एलईडी 3 वोल्ट का रहता है। आप लोगों को जितना करेंगे तो पूरा एक्लोमेट करेंगे 3 3 वोल्ट का, और ये सब सीरीज वाइज में लगा रहता है। तो 3 3 6 9 ऐसे करके सीरीज में लगा रहता है। तो हम लोग को ये 9 वोल्ट का भी बना सकते हैं, 3 वोल्ट का भी, 12 वोल्ट का भी, सब वोल्ट का बना लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 12 वोल्ट का बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को तो 3 चौक 12 रहता है। तो क्या होता है अक्सर में हमारा एलईडी खराब हो जाता है, तो इसको मैं निकालता हूँ, थोड़ा निकल गया। तो एलईडी खराब हो जाता है, कभी कभी एलईडी का बल्ब खराब हो जाता है, तो कभी कभी होता है सप्लाई खराब हो जाता है। अधिकतर तार में सप्लाई एलईडी दोनों बराबरी खराब होता है, जिसका लाइट के ऊपर है कम आया ज़्यादा वो। तो जो भी खराब हो तो आप उसको इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं, या घर में आप जो चाहें उस लाइट को यूज़ करके दूसरा चीज़, मतलब जलेगा तो यूज़ तो होगा ही। आप उसको बैटरी से भी जला सकते हैं, एडाप्टर से चला सकते हैं, 12 वोल्ट का, तो आप जिससे चाहें उससे चला सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, टोटल सीरीज में जुड़ा रहता है। तो आप लोगों को चार लाइट है, तो चार लाइट को यहाँ से काट देना, फिर चार लाइट रहेगा यहाँ से काट देना, फिर ये चार लाइट है यहाँ से काट देना, फिर ये चार लाइट है तो 3 है, तो एक यहाँ से जोड़, एक निकला हुआ है तो यहाँ जुड़ा रहता है। देख सब में किसी किसी निकाल इसमें निकाल दिया, तो इसको आप लोग इस ये आलम में दिखाता हूँ। तो वहाँ पास एक लाइट और लगा देना, तो चार लाइट हो जाएगा, 3 चौक 12। तो मैं देख लीजिए इसको कैसे किया हूँ। तो आप लोग इसको घिसेंगे ना, देखिए ऐसा मैं घिस दिया हूँ, ये देखिए यहाँ यहाँ मैं घिसता हूँ, तो 1 2 3 ये 4, तो यहाँ घिस के यहाँ पूरा काट दिया ना, पूरा यहाँ से कट गया, ये कटा हुआ है। तो 4 तो 1 4 मतलब यहाँ से हम लोग ये पहला, यहाँ से 4 मतलब यहाँ हम लोग 12 वोल्ट दे सकते हैं। ये प्लस है और यहाँ पर से माइनस हो गया, ठीक है। तो देखिए सबका माइनस अलग निकाला हूँ, ये हो गया। फिर 1 2 3 सॉरी ये 3 है, यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस लगाऊँ, उसके कारण में ये एब्जॉर्ब मतलब उसका कम था, इसीलिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इतना में हो जाएगा। ओके इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पर यही वायर, ये वाला वायर देखिए यहाँ प्लस है ये, तो ये प्लस को हम लोग यहाँ से, ये वाला पंखा वाइंडिंग होता है ना, वाला वायर है दोस्तों, क्योंकि इसको थोड़ा जलाना पड़ता है, शॉर्ट होगा तो जलाएंगे या घिसेंगे, वहीं से सोल्डिंग मारेंगे, इधर किधर लगाएंगे सोल्ड, ये शॉर्ट नहीं होता है। तो यहाँ से घिसा, फिर ये आला जुड़ गया, फिर ये वाला गया यहाँ से, फिर ये 1 2 3 ये 4 इसका प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ से गया प्लस और यही माइनस है, तो 1 2 3 4। तो जहाँ जहाँ से करेंगे वहाँ से पूरा क्रॉस करेंगे, पूरा काट देंगे वहाँ से प्रिंट, तो यहाँ से मत जाए। टोटल सीरीज में जुड़ा है तो हम लोग को काट काट के चार चार का करके, चार चार सीरीज करके फिर टोटल को काटना है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ से काट दिया हूँ मैं, यहाँ से पूरा कटा होगा, दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, कटा होगा, एक बार मैं पास ले जाता हूँ, ये देखिए यहाँ से काट दिया हूँ मैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। फिर देखिए ये वाला जुटा है, इसके साथ ये प्लस है, यहाँ से जाके फिर से दूसरा वाला का प्लस हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, आप लोगों को इसमें आपको समझ आ गया, चार चार का पूरा पूरा सब पूरा टोटल सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को चार चार का अलग अलग करना है। जैसे इसमें अभी अच्छा दिखा दिया, जैसे मैं बताया शुरू, 1 2 3 4, तो इसको कट देंगे, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ से कटेंगे, टोटल ऐसे जुटा हुआ है यहाँ से, आप लोग यहाँ से देखेंगे तो अच्छा से। तो ये देखिए यहाँ से जुटा पहला, ये 1 2 3 ये 4, तो यहाँ से काट दिया हूँ, यहाँ से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से कटा हुआ है, फिर ये, फिर 1 2 3 यहाँ रजिस्टेंस लगा दिया हूँ क्योंकि ये 3 लाइट था, तो 1 2 3, तो फिर इसका ये प्लस हो गया, और यहाँ से आके यहाँ पास है ये, इसका माइनस हो गया, ये देखिए यही माइनस था, यहाँ आके माइनस हो गया। फिर सेम टू सेम वैसे एक ये, फिर ये प्लस है, 1 2 3, ये देखिए 2 हो गया, ये 2 4 हो गया, ये माइनस हो गया यहाँ से, फिर ये प्लस है इसका, 1 2 3 ये 4, तो प्लस देखिए यहाँ से आके ये देखिए प्लस ये है, यहाँ से आके ये है,
ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये प्लस, यहाँ प्लस, सबको प्लस एक साथ जोड़ दिए, सबका माइनस माइनस जोड़ लेंगे। तो आप लोग मीटर्स चेक करेंगे, प्लस माइनस पता चल जाएगा काट के, तो एक का सबको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ लेना है। ये आपका 12 वोल्ट का बन गया है। अब 12 वोल्ट का कैसे, और आप इसको बैटरी से चलाएं या किसी और से चलाएं, किसी चीज़ से भी चला सकते हैं। तो ये देखिए मैं नाप के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये मीटर ले आता हूँ। और दोस्तों इसमें डीसी देना है, एसी मत दे देना, ये उल्टा मार, ये देखिए 11 वोल्ट दिखा रहा है, थोड़ा सा कम है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं माइनस में दिखाया क्योंकि उल्टा लगाया था, फिर इसको हम लोग लगा लेंगे। देखिए वर्क कर रहा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए बहुत ज़्यादा रोशनी आप लोग पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग इसको चाहे तो मैं दिखाता हूँ, आप लोग मोबाइल बैटरी से भी इसको चला सकते हैं। तीन मोबाइल बैटरी करेंगे तो 12 वोल्ट बन जाता है, तो तीन बैटरी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा 3.7 वोल्ट का रहता है तो समथिंग ये बन जाता है। और आप लोग जो काला बैटरी आता है सिंपल, उसका भी तीन बैटरी कर लीजिए, 4 या 12, उससे भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है किस में है, तो इसको आप जैसा इसमें चाहे तो इसमें फिट कर लीजिए, अलग चाहे तो अलग में फिट कर लीजिए, जिस चीज़ में चाहे उसको फिट कर सकते हैं। इसका अच्छा यूज़ यही है दोस्तों, क्योंकि जल्दी से रिपेयर होता नहीं है, आप लोग खुद जानते होंगे जो रिपेयर करते हैं बहुत मुश्किल है। तो इसको आप इमरजेंसी लाइट बना लीजिए या फिर से दोबारा इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और मैं कुछ समझा नहीं पाया हूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स बता दीजिए, मैं एक वीडियो इसके लिए और अच्छा से बना दूंगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबा रहेगा। और इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, लाइक कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, और इतनी कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपका दिन शुभ रहे।